शेयर में अभी क्या करना चाहिए? क्या ये शेयर और ज़्यादा गिरावट बना सकता है? क्या ये स्टॉक में मतलब अभी जो है बेचना चाहिए शेयर को? तो देखिए, INSE का शेयर जो कुछ दिन पहले एक ज़बरदस्त तेज़ी दिया था और शेयर का प्राइस जो है लगभग 90 रुपये के ऊपर पहुंच गया था, उसके बाद स्टॉक ने गिरावट बनाया और बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसी प्राइस में या फिर ज़्यादा प्राइस में जो है अटका हुआ है, क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि शेयर में अभी क्या करना चाहिए। क्योंकि मतलब ज़्यादा प्राइस में अगर किसी ने शेयर खरीद के रखा है दोस्तों INSE का, तो उसमें बोल सकते कि जो है जो इन्वेस्टर्स मतलब ज़्यादा प्राइस मिले हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त घाटा है ये शेयर। मतलब INSE में जो है कुछ खास तेज़ी नहीं है, तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो देखिए, हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे INSE का जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो पे पूरा बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, दिन पहले जो एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जहाँ पे INSE जो है 3,000 करोड़ जो है बॉन्ड से फंड रेज कर रहा है। तो INSE एक बहुत बड़ा जो है बोल सकते कि यहाँ पे INSE का अपडेट देखने को मिला है। इसके चलते अगर देखेंगे तो INSE जो है मतलब शेयर में तेज़ी बनना था तो थोड़ा बहुत तेज़ी बनाया था शेयर ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पे INSE जो है यहाँ पे एक बॉन्ड मतलब ये कर रहा है, उसके बाद जो है इसको मतलब 3,000 के आसपास जो है फंड रेज करने वाला है INSE। ये बॉन्ड में देखेंगे तो 3,000 करोड़ का जो ये बॉन्ड है उसमें से 2,500 करोड़ का जो ग्रीन शो है वो भी इंक्लूड है। तो अभी यहाँ पे INSE जो ये बॉन्ड मतलब ये कर रहा है, फंड कर रहा है, ले रहा है, तो वो जो है 3 साल का एक बोल सकते कि मेच्योरिटी रखा है इन लोगों ने। तो यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस जो था वो 22 नवंबर को था, और उसके बाद जो बोल सकते कि जो पे इन डेट है जो कि मतलब जो बॉन्ड्स है वो उनको मिल जाएगा जो भी यहाँ पे फंड ये कर रहा है, और जो INSE उनको भी फंड मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं INSE का मतलब जो अभी देखिए कंपनी जो है INSE बोल सकते कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और यहाँ पे एक आपको जो है डिविडेंड भी अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे क्या होता है मतलब शेयर जो है जैसे ही इसका प्राइस बढ़ता है तो बहुत सारे लोग इसमें बेचना शुरू कर देता है। तो अभी 75 के आसपास शेयर चल रहा है, तो यहाँ पे जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जिसके चलते लगता है कि शेयर जो थोड़ा बहुत ऐसे तेज़ी बना सकता है। बहुत ज़्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए दोस्तों। अरे मतलब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि एक बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं कि कंपनी है, तो इसमें अभी शेयर में जो है गिरावट बन रहा है। कुछ दिन पहले PFC ने लगभग 4.5 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया है इन्वेस्टर्स को, मतलब जो डिक्लेयर किया है, उसके बाद भी स्टॉक उतना कुछ तेज़ी नहीं बनाया है दोस्तों। एक दिन में PFC के शेयर में 0.3% के आसपास गिरावट बनाया है, वही एक हफ्ते के अंदर 0.7% का गिरावट दिया PFC के शेयर में, और एक महीने में 28.6% का जिसमें तेज़ी बनता हुआ देखने को मिला है। वो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे PFC के शेयर में मतलब PFC जो इसका ड्यूरेबिलिटी है 45 out of 100 वैल्यूएशन, 64.50 out of 100 मोमेंटम, 75.70 out of 100। इसका तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं PFC के शेयर का। 3 महीने में देखिए इसका जो हाई प्राइस इसने बनाया था PFC ने वो है 328.65 पैसे का, और जो लो प्राइस बनाया है वो है 200.44 पैसे का। तो 328 रुपीज़ का इसका एक हाई प्राइस है जो कि PFC ने बनाया है। एंड यहाँ पे एक महीने के अंदर बात करते हैं दोस्तों, जो इसका हाई प्राइस है 328.65 पैसे का, लो प्राइस जो है 233.65 पैसे का, माफी 233.35 पैसे का, और एक महीने का जो लो प्राइस है माफी जो हाई प्राइस है 328.65 पैसे का, और लो प्राइस है 309.55 पैसे का। तो अगर ये शेयर मतलब थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझते हैं, अगर ये शेयर यहाँ से और ज़्यादा गिरावट बनाता है तो आपको थोड़ा यहाँ पे समझ लेना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो अच्छी तरह से एक बार रिसर्च कर लेना चाहिए। अभी देखिए शेयर का प्राइस जो 314 रुपये के आसपास चल रहा है, अगर ये शेयर 307-308 रुपये के आसपास पहुँच जाता है तो वहाँ से और ज़्यादा गिरावट ये बना सकता है शायद से, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। अभी यहाँ पे देखिए जो बोल सकते कि थोड़ा बहुत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल्स जोन पे जो है फिलहाल ये शेयर अभी देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझते हैं PFC का जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा उसको डिटेल में समझते हैं दोस्तों। टेक्निकली यहाँ पे देखिए शेयर जो है फिलहाल अभी एक बुलिश लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। भाई RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर है ओवरबॉट लेवल पे है दोस्तों, तो PFC का शेयर ओवरबॉट लेवल पे है, ये आप समझिए। जहाँ पे मतलब ये ओवरबॉट लेवल पे है तो बहुत सारे हो सकता है कि आप ये जो है अभी बिग वाले भी शुरू हो, सेल भी करे, तो शेयर गिरावट दिखा सकता है। MACD इंडिकेटर कह रहे हैं कि जो शेयर एक बुलिश लेवल पे फिलहाल चल रहा है दोस्तों। BSE और NSE मिला के एक दिन का एवरेज देखते हैं
तो वो आप देख सकते हैं जो कि 8.8 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज 35.3% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 33.1 मिलियन का है। और एक हफ्ते का BSNS से मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 14.1 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 33.4% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 4.7 मिलियन का। एक महीने का BSNS से मिला के जो एवरेज देखने को मिल रहा है वो है 19.3 मिलियन का, डिलीवरी परसेंटेज 32.9% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 6.3 मिलियन का है। तो अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, जहाँ पे मतलब बोल सकते कि PFC का जो डिलीवरी परसेंटेज है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, 33.4% से बढ़ के 35.3% यहाँ पे हुआ है। वही दोस्तों इसका जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो घटता हुआ देखने को मिल रहा है, 4.7 मिलियन से घट के 3.1 मिलियन हुआ है। अभी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं PFC का। अभी मतलब जो इसका एक डिविडेंड PFC ने डिक्लेयर किया है, देखिए PFC डिविडेंड बहुत ही ज़बरदस्त देता है, जो कि अभी तक देख सकते हैं PFC की ओर से लगभग जो है यहाँ पे 35 डिविडेंस दिया गया है। एंड इन द पास्ट 12 मंथ्स जो PFC ने डिविडेंड दिया है, द इक्विटी डिविडेंड अमाउंट जो कि 12.50 पर शेयर का है। तो यहाँ पे आपको लगभग मतलब साल का जो है 12-12.5 रुपये के आसपास जो है एक बोल सकते कि डिविडेंड देखने को मिल जाता है, 12 या 13 रुपये के आसपास आपको साल का एक डिविडेंड देखने को मिल जाता है। शेयर का प्राइस दोस्तों अभी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें खरीदारी हुआ है, तो हो सकता है कि शेयर यहाँ से गिरावट बनाए। देखिए एक डिमांड में बोल सकते हैं कि PFC में जो एक डिमांड तो बनता हुआ देखने को मिलता है, जहाँ पे मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसका जो डिविडेंड है डिविडेंड भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो शेयर में बहुत ज़्यादा जब बिग बाल मतलब जैसे कि बिग बाल हो रहा है, तो हो सकता है कि शेयर जो यहाँ पे थोड़ा सेल करना शुरू कर दे पब्लिक ने, जिसने भी जो भी इन्वेस्टर्स ने इसको कम प्राइस में लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल भी हो सकता है। तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत गिरावट बनाएगा PFC का शेयर, तो खरीदेंगे तो वहाँ से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत इसमें PFC को लेकर हम लोग अभी डिटेल में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टॉक जो है मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक जो है इसके बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा प्राइस है स्टॉक का चल रहा है। तो इसके जो बुक वैल्यू है आप देख सकते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.10 टाइम्स इज बुक वैल्यू, मतलब बहुत ज़्यादा फिलहाल मतलब शेयर का प्राइस नहीं है इसके बुक वैल्यू से। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग गुड डिविडेंड, जो इसका डिविडेंड है जो कि 3.37% के आसपास है, तो ये भी बोल सकते हैं कि PFC का डिविडेंड अच्छा खासा है। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी सही है, जो कि 18.9% के आसपास CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी हैज बिन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट जो कि 22.4% के आसपास। तो देखिए कंपनी अच्छा है, PFC डिविडेंड अच्छा खासा देता है, PFC की ओर से अच्छा खासा डिविडेंड आपको देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, द कंपनी हैज डिलीवर्ड पोर सेल्स ग्रोथ जो कि 9.79% के आसपास है ओवर द पास्ट 5 ईयर्स और कंपनी है कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो अभी दोस्तों हमें लगता है कि PFC का शेयर अगर किसी ने लेके रखा है तो उनको थोड़ा मतलब समझ यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से एक बार रिसर्च कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं PFC का मतलब एक दिन का जो इसका लो प्राइस है वो है 309.55 पैसे का, और जो हाई प्राइस है 317 रुपीज़ का। एक हफ्ते का जो लो प्राइस माफ़ कीजिए जो हाई प्राइस है वो है इसका माफ कीजिए जो लो प्राइस है वो 52 का लो प्राइस माफ कीजिए 52 के जो लो प्राइस है वो है 97.72 पैसे का, और जो हाई प्राइस है 328.65 पैसे का। तो यहाँ पे देखिए इसका 52 का लो प्राइस 97 रुपीज़ के आसपास था। तो अगर आपने मतलब इसको शेयर को 100-150 के आसपास भी लिया है, अगर आपने 97 के आसपास शेयर नहीं खरीदा है, इसका थोड़ा ज़्यादा प्राइस देकर खरीदा है, तो यहाँ पे जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न इसने दिया है, जब ये शेयर 328 रुपीज़ के ऊपर पहुँच गया था 52 का जिसका हाई प्राइस था। दोस्तों यहाँ पे जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट है उसमें से आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो एनालिस्ट है उन लोगों का मानना है मतलब 81% का मानना है कि मतलब PFC के शेयर में बाई करके चल सकते हैं, होल्ड करने के लिए 0% कह रहे हैं, सेल करने के लिए 13% कह रहा है। ज़्यादातर जो एनालिस्ट है यहाँ पे शेयर मार्केट के उन लोगों का मानना है कि PFC के शेयर में बाई करके चल सकते हैं। मार्केट कैप PFC का देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट कैप इसका है PFC का, और अच्छा खासा एक मार्केट कैप, और इसका बोल सकते कि जो इंडस्ट्री पी है वो 17.68% के आसपास। अभी PFC का थोड़ा हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंपनी को लेकर डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसका अभी Q2 2024 का रिजल्ट आया था उसमें देख सकते हैं ज़बरदस्त जो है इसमें रेवेन्यू देखने को मिला था, जो कि 21,001 करोड़ से बढ़ के जो है 22,404 करोड़ इसका रेवेन्यू हुआ था। वही दोस्तों इसका जो प्रॉफिट था PFC का प्रॉफिट आप देख सकते हैं क्वार्टरली जो है 5,982 करोड़ से बढ़ के 6,628 करोड़ हुआ था। तो यहाँ में हम लोग ईयरली इसका रेवेन्यू देखते हैं PFC का, तो ईयरली रेवेन्यू भी देख सकते हैं आप जो कि 76,345 करोड़ से बढ़ के 77,625 करोड़ हुआ था। वही ईयरली प्रॉफिट जो है इसका वो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 18,768 करोड़ से बढ़ के 21,179 करोड़ हुआ है। तो दोस्तों इसका प्रॉफिट क्वार्टरली जो अभी आया है एक ज़बरदस्त प्रॉफिट जो इसने यहाँ पे Q2 का जो प्रॉफिट आया एक ज़बरदस्त प्रॉफिट जो इसको हुआ है। तो इसका चलते अगर देखेंगे
इसके चलते जो है पीएफसी ने एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। प्रोमोटर्स के पास लगभग 55.99% का स्टेक है। प्रोमोटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पीएफसी का। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में भी यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेक लेके रखा है, जो कि 16.74% का स्टेक फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है। म्यूचुअल फंड के पास 12.38% का स्टेक है। रिटेल एंड अदर्स के पास 9.81% का स्टेक है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 5.08% का स्टेक है। तो दोस्तों यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप जो है एफआई जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, उन लोगों ने भी अच्छा स्टेक लेके रखा, अच्छा खासा। प्रोमोटर्स के पास भी अच्छा स्टेक है। म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, जबरदस्त स्टेक यहाँ पे लेके रखा है 12.38% के आसपास। और रिटेलर अदर्स इन्वेस्टर्स के पास भी एक जबरदस्त स्टेक है, जो कि 9.81% के आसपास। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 5.08% के आसपास। तो आपको क्या लगता है दोस्तों पीएफसी को लेके, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे दोस्तों कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है